जोधा अकबर और दुनिया भर की मूवी बनती थी, लेकिन कोई भी हिंदुज़्म पर बेस्ड मूवी नहीं बनती थी। उल्टा बहुत सारे तो ऐसे थे जो दिखाते थे कि भगवान शिव डर कर भाग रहे हैं, उनको लोग परेशान कर रहे हैं, और दिखाया जाता था कि वो स्टिकर्स लगा रखे हैं लोगों ने गाल पर और चाटे से बचने के लिए। तब कोई रोकने नहीं आता था, तब ये लोग रिव्यू देने नहीं आते थे कि ये नहीं करना चाहिए था, तब ये लोग बताते थे कि ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो अपने धार्मिक लोग हैं या हिंदू हैं, भारतीय हिंदू प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये बता रहे थे। भैया तब आपको नहीं याद आ रहा था, आज एक अच्छी मूवी जो रामचरितमानस का ज्ञान कराएगी, मैं कह रहा हूँ 60% कराएगी, 40% कराएगी, तो भी तो कुछ तो ज्ञान होगा वो कराएगी, तो आपको उसमें सबको बड़ी परेशानी नज़र आ रही है। आदि पुरुष मूवी में भगवान राम पूरे ट्रेलर के दौरान गुस्से में ही है। भगवान राम चमड़े का एक कवच जैसा पहने हुए हैं, जो हनुमान जी हैं पिछली बार जब ट्रेलर आया था तो लोगों ने उस पर चर्चा कर दी कि सैंडल पहन रखा है, ठीक है। फिर कह दिया कि सीता माता जो हैं वो करेक्टर में जच नहीं रही हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको पहले लोगों ने देखा अलग अलग मूवीज़ में और अलग अलग रोल करते तो वो जच नहीं रही हैं। अब फिर लोग अब बोल रहे हैं इस वक्त कि वो रावण की लंका काली दिखा दी है, फिर बोल रहे हैं कि रावण को अजीब तरीके का दिखा दिया है। ठीक है, मैं सब कुछ मान लेता हूँ, सब कुछ गलत है। आज के वीडियो में मैं ये जस्टिफाई कर दूंगा कि ओम राउत की जो मूवी है आदि पुरुष, ये किस हद तक पुराने समय से आज के जनरेशन को जोड़ पाएगी, और ओम राउत की क्या थ्योरी है या ओम राउत ने क्या सोचकर इस मूवी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक का फेवर नहीं ले रहा, लेकिन मेरी जो अपनी राय है मैं वो आपको बता रहा हूँ। शायद आपको ये बात सही भी लगे, अगर सही लगती है तो बहुत ही अच्छा है, बाकी आपका अपनी सोच है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आदि पुरुष का ट्रेलर जब से आया है तब से बड़ी भड़बड़ मच गई है, सारे रिव्यू करने वाले बंदे आ रहे हैं और अपना अपना रिव्यू देते जा रहे हैं, जिससे देखो वो कमियों पे कमियां निकाल रहा है और बुराइयां बता रहा है कि ऐसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं है वैसा। आपको एग्जैक्टली बता दूं, जो लोग ये बहुत कमियां बता रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को तो रामायण का सही से ज्ञान भी नहीं है, वो भी कमियां बता रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं कमियां हैं, बिल्कुल सही बात है, कमियां हैं, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आप जान पाएंगे कि ये मूवी किस हद तक जस्टिफाई करती है अपने आप को। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप अपने बड़े बुजुर्गों को भगवान शिव की एक फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दें और मल्टीपल फ़ोटोज़ उनको दिखाएं, आप नोटिस कीजिएगा भगवान शिव की वो वाली फ़ोटो ही वो लोग पसंद करेंगे जिनमें भगवान शिव साधना में लीन होंगे, भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे होंगे, या इस टाइप की जो फ़ोटोज़ या इमेजेस होंगी वो ही वो लोग पसंद करेंगे। जबकि अगर आप आज की जनरेशन को या 23-24 साल के बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को आप कहें कि भगवान शिव का एक फ़ोटो सेलेक्ट करो आप, तो वो भगवान शिव का जब फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा वो एकदम रुद्र रूप सेलेक्ट करेंगे। नई जनरेशन जो भी है वो भगवान शिव की ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट करेगी जिसमें भगवान शिव त्रिशूल चला रहे हैं, गुस्से में हैं, जटाएँ उड़ रही हैं, भगवान शिव विष का प्याला पी रहे हैं, यानी भगवान शिव गुस्से में हैं, इस टाइप का, यानी एज अ वॉरियर देखना पसंद करती है नई जनरेशन हमारे देवी देवताओं को भी। और मुझे इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती, ठीक है। ठीक वैसे ही ओम राउत ने भी शायद सोचा होगा कि एज अ वॉरियर दिखाना ज़्यादा बेहतर है भगवान राम को, क्योंकि ऐसा दिखाने पर होगा क्या कि जो नई जनरेशन है वो मूवी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। तो मुझे ये चीज़ कुछ हद तक जस्टिफाई करती है। सीधी सी बात है, छोटे बच्चे भी आजकल एक्शन मूवीज़ और वॉरियर्स को देखना पसंद करते हैं, तो अगर वो भगवान राम को एज अ सुपर हीरो या एज अ वॉरियर देख ले रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे उस मूवी से अगर राम को एज अ वॉरियर दिखाया जाता है, और ऐसा ही ओम राउत ने किया है, तो एज अ वॉरियर दिखाना कोई भी बुरा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ ठीक है, चमड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन उनके बीच में जो मुझे लग रहा है मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। इसी तरीके से बहुत से लोगों ने कहा कि जो कृति शैनन है वो जस्टिफाई नहीं कर रही सीता माता के रोल को। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, लोग उनको कह रहे हैं कि कृति शैनन जो है उन्होंने पहले कई मूवियाँ की हैं जिसमें वो रोमांस करते या इस तरीके की तमाम सारे वीडियोज़ में आती हैं, तो उनको सीता माता के रूप में देखना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, जब आप रामलीला देखने जाते हैं भगवान राम की, तो वहाँ पर तमाम सारे लोग किरदार निभा रहे होते हैं,
और जो भगवान राम का किरदार निभा रहा होता है, क्या वो घर पर भगवान होता है? क्या वो राम है? क्या वो राम की तरह ज़िंदगी बिताता है? जो परशुराम बन रहा है, क्या वो परशुराम है? जो परशुराम बन रहा है, क्या वो परशुराम है, परशुराम की तरह जीवन बिता रहा है? या जो सीता बना है, क्या वो सीता है, सीता की तरह जीवन बिता रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब देखने आते हैं रामचरितमानस को, तो वहाँ पर कुछ लोग मंचन कर रहे होते हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे होते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल करेक्टर देखना बिल्कुल गलत है। वो उस वक्त कौन सा किरदार निभा रहे हैं, उस किरदार को कितना जस्टिफाई करते हैं, इससे मतलब है। पहले क्या किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत लगी मुझे, ठीक है। तो अगर वो एक किरदार निभा रही हैं सीता माता का, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी दिखाए नहीं गए, नलनील दिखाए नहीं गए, तो क्या केवल राम भगवान, हनुमान जी और सीता ही माता ने पूरी मूवी, या फिर रावण ने ही पूरी मूवी कर डाली? अरे भाई, आप ये भी तो समझने की कोशिश करें कि मूवी का 4-5 मिनट का ट्रेलर आपके सामने आया, 4 मिनट के ट्रेलर में आपने डिसाइड कर लिया कि भगवान लक्ष्मण आएंगे ही नहीं, नलनील आएंगे ही नहीं, पूरी मूवी तो आने दीजिए, आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों ने कहा कि भगवान राम पूरे ट्रेलर के दौरान गुस्से में नज़र आ रहे हैं। ये तो मुझे भी पता है कि भगवान राम के बारे में अपनी रामचरितमानस में भी कहा गया है, अति कोमल रघुबीर स्वभाव। ये हनुमान जी जब रावण को समझा रहे होते हैं, तो उस वक्त ये लाइन बोल रहे होते हैं कि भगवान राम बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, तो अभी भी तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर देंगे, वो रावण से कह रहे होते हैं। तो ये तो मुझको भी पता है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि भगवान राम को एज अ वॉरियर देखना पसंद है, और वॉरियर जो होते हैं वो थोड़े से ग्रेव और थोड़े से एंगर में होते हैं, तभी वो वॉरियर लगते हैं। तो इसलिए अभी के ट्रेलर में वो अंश दिखाया गया है जहाँ जहाँ पर भगवान राम एज अ वॉरियर आ रहे हैं। पूरी मूवी अभी बाकी है, उसमें भगवान राम अलग 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 मनोभाव प्रकट करते नज़र आएंगे, समझ रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग होंगे मूवी में। अभी वो हिस्सा इसलिए दिखाया गया है, एग्रेशन वाला हिस्सा इसलिए दिखाया गया क्योंकि एग्रेशन वाले हिस्से यानी एज अ वॉरियर रोल में ही सबसे ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करेंगे, तो ट्रेलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा, तभी तो लोग जाकर मूवी देखेंगे। ऐसे ही कुछ लोग कहने लगे कि जो लंका थी वो सोने की थी और बड़ी सुंदर सी थी, और इन लोगों ने काली काली दिखा दी, और रावण को काले काले कपड़े में दिखा दिया, और इस तरीके की बहुत सारी बातें हो रही। देखिए, रावण को इविल दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, रावण को बहुत ज़्यादा इविल दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो अब उस जगह पर हम, मैंने फिर से कहा कि ओम राउत जो हैं वो बार बार बस चाह रहे हैं कि रावण को बहुत ज़्यादा इविल दिखाया जा सके, और उस पर एक अल्टीमेट वॉरियर यानी श्री राम जी को उससे जीतता दिखाया जा सके, ताकि लोग, अगर जो लोग ऐसे भी भगवान की मूवी देखने आ रहे हैं जिन्हें भगवान से या जिन्हें कथा पुराण से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो बस एक सुपर हीरो की मूवी देखने आ रहे हैं ऐसे सोच कर भी आएँ, तो भी वो अपने को भगवान राम से बड़ी आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। यानी जो नई जनरेशन आकर देखेगी, वो एज अ हीरो भगवान राम को देखेगी। तो जैसे आपका थॉर हो गए, दुनिया भर के सारे हीरोज़ हो गए, सुपरमैन हो गए, वैसे ही वो भगवान राम को एज अ ऑल माइटी गॉड देखेंगे, तो इसमें क्या परेशानी है भाई किसी को। इसके अलावा इस मूवी में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जैसे मैंने ट्रेलर देखा था, तो मैंने देखा कि जब सीता माता को रावण ले जा रहा है, तो उसने कहीं भी सीता माता को छुआ नहीं है। आप देखिए इस ट्रेलर में तमाम सारे ये जैसे जड़ें जैसी ब्लैक कलर की जा रही हैं, और वो सीता माता को छू रही हैं, ना कि रावण खुद सीता माता को छू रहा है। तो ओम राउत ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें, तो जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, मुझको बहुत ही अल्टीमेट लगा। इस लेवल के अल्टीमेट म्यूजिक की वजह से ही इसको लोग शायद देखने और आएंगे। अभी आज के कुछ 2 साल पहले एक भी मूवी नहीं बनती थी किसी भी भगवान पर, कोई नहीं बनाता था, हिंदुज्म नाम पर कुछ नहीं बनता था। जोधा अकबर और दुनिया भर की मूवी बनती थी, लेकिन कोई भी हिंदुज्म पर बेस्ड मूवी नहीं बनती थी। उल्टा बहुत सारे तो ऐसे थे जो दिखाते थे कि भगवान शिव डरकर भाग रहे हैं, उनको लोग परेशान कर रहे हैं, और दिखाया जाता था कि वो स्टिकर्स लगा रखे हैं लोगों ने गाल पर और चाटे से बचने के लिए। तब कोई रोकने नहीं आता था, तब ये लोग रिव्यू देने नहीं आते थे कि ये नहीं करना चाहिए था, तब ये लोग बताते थे कि ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो अपने धार्मिक लोग हैं या जो भी अपने हिंदू हैं, भारतीय हिंदू प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये बता रहे थे भैया, तब आपको नहीं याद आ रहा था। आज एक अच्छी मूवी जो रामचरितमानस का ज्ञान कराएगी, मैं कह रहा हूँ 60% कराएगी, 40% कराएगी, तो भी तो कुछ तो ज्ञान होगा वो कराएगी, तो आपको उसमें सबको बड़ी परेशानी नज़र आ रही है। तो मेरा कहना है, आप इस मूवी को मस्त बिंदास देखिए और
दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए कि ये मूवी देखी जाए। आपको जो चीज़ें, देखिए जो लोग बहुत ब्रीफली रामायण पढ़ चुके हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है रामायण का, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें अखरेंगी, मुझे भी अखरेंगी, मुझे भी लग रहा था ऐसा। लेकिन फिर मैंने बैठकर सोचा कि वाकई क्या ये करना उचित था, तो मुझे लगा कि ये एज अ डायरेक्टर, और देखिए डायरेक्टर है, उन्होंने ढेर सारा पैसा लगाया है, तो वो अर्निंग का भी सोचेंगे, छोटा सा कंसिडरेशन उस चीज़ का भी रखा जाता है। तो अगर उन्होंने थोड़ा बहुत 19-20 हेर फेर किया है तो वो जस्टिफाई कर जाता है चीज़ों को। ये मेरे थॉट थे इस मूवी को लेकर। तो अगर आपके थॉट इस मूवी को लेकर भी कुछ ऐसे ही हैं या अभी हो गए हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।